नमस्कार। नमस्कार प्रणाम। एक छोटा सा सूचना से आप सबको अवगत कराने आए हैं। हमको लगता है कि सूचना सबको जानना बेहद जरूरी हो सकता है कि बहुत लोग इस चीज देख लिए होंगे और जानते होंगे, हालांकि हम चर्चाएं पूरा हिंदुस्तान का नहीं कर रहे हैं। आपको पता है कोरोना काल के बाद बच्चों का पढ़ाई डिजिटली हो रहा था, ऑनलाइन क्लासेज चल रहा था, एप्लीकेशन के द्वारा मोबाइल पे टिक गया था, पर किसी गार्जियन ने अब तक एक गौर शायद नहीं किया होगा कि जिस बच्चे के हाथ में आप एंड्रॉयड फोन दिए हैं, उस एंड्रॉयड फोन में ना जाने बिना परमिशन के क्या बिना क्या खुदे खुदे खुल जाता है, ना जाने क्या क्या दिखा देता है ब्रॉडकास्ट के जरिए। जैसे कहीं भी अगर आप क्रोम भी खोलते हैं तो वहां पे आपको ऐड दिखाएगा तो बहुत ही गंदा गंदा ऐड भी दिखाने लगता है। वहां पे कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा होता है उस ऐड के द्वारा। और अब बच्चों को कितना देर तक सामने बैठ के केयर कीजिएगा? ठीक है, बच्चा का पढ़ाई हो गया तो बच्चा उसके बाद गूगल पे भी जाता होगा, यूट्यूब पे भी जाता होगा, तो समझिए कि ये लत कितना बुरा लग चुका है आप सबके बच्चों को। जैसे कभी भी कुछ भी चलते चलते न्यूड वीडियो आ जाएगा, न्यूड तस्वीरें आ जाएगा, जो बाय डिफॉल्ट आता है। बिल्कुल, और सेम ऐसा ही वाकया हुआ है। एक ठो अभी अभी एक खबर आया है कि आपस में घर के 4-5 बच्चे, उसमें एक बहन थी और 4-5 भाई थे, जो एक मोबाइल में पढ़ रहे थे और अचानक से एक ठो साइट खुल जाता है और साइट पे पोर्न वीडियो खुद ब खुद चलने लगता है। तो आपस में लोग चर्चाएं करते हैं कि अरे बाप रे, ऐसे तो मम्मी पापा भी करते हैं। बताइए कितना शर्मसार करने वाला डिजिटल इंडिया बन रहा है हमारा। लगातार ऐसे, आपको पता है पहले भी हम लोग चर्चा किए हैं कि सोशल मीडिया या प्लेटफॉर्म, जो भी ब्रॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म होता है, जिस चीज में इंटरेस्ट रखिएगा उस चीज को वो ज्यादा दिखाता है ना। तो बच्चे उसमें रुक कर देखना शुरू कर दिए, तो एवरीडे कभी ना कभी आता रहता था। अब बच्चे एडिक्टेड हो गए, स्क्रीन रिकॉर्ड करके फोन में गैलरी में रखने लगे। अब चीजें क्या हुई कि सेम प्रक्रिया उस लड़की के साथ, उस घर की सगी बहन के साथ भी करना शुरू कर दिए, अपनी बहन के साथ शुरू कर दिए, वो 3-4 सगे भाई, समझे कि नहीं। हालांकि उस डिटेल को हम बताने नहीं आए हैं, ये पूरे डिटेल आपको बताएं, खबर आप देख सकते हैं। लेकिन सोचिए कि इस प्रकार की चीजें अगर आपके बच्चे के फोन में आ रहा होगा, आपके घर के फोन में आ रहा होगा, जिसको बच्चा लोग उपयोग करता होगा, सोचिए बच्चों को क्या प्रभाव डालता होगा वो प्रचार, वो एडवर्टाइजमेंट, वो वीडियो, समझे कि नहीं। तो आज खास करके कहने इसलिए हम आए हैं कि बच्चे को फोन हाथ में उतना ही दिया जाए जितना उनको जरूरत हो। मान लीजिए 2 घंटा का क्लास है, तो अगर आपके पास टाइम है, मम्मी के पास टाइम है, पापा के पास टाइम है, तो 2 घंटा बैठ के और देख दाख करके पढ़ा लीजिए। समय से क्लास चलता है, अगर समय हो गया हो तो घड़ी देखकर एक बार फोन को मांग लीजिए। बिल्कुल, अगर बच्चे को फोन ऐसे एडिक्टेड बना देते हैं आप, तो ना जाने किस किस राह में चले जाएंगे। हालांकि बिल्कुल ऐसा होता है, आईडी भी बना लेते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, है ना, बिल्कुल तरह तरह की लत लग जाते हैं, लग जाती है बच्चों को। अब नॉर्मल अगर आप कुछ भी कोई एप्लीकेशन खोलते हैं ना, तो उसमें आपको एक ऐड दिखाता होगा जरूरी से। अगर कोई फोटो एडिट करते हैं तो वहां पर भी एक ऐड आएगा, और उस ऐड के अंदर में का किस तरह का फोटो आ जाएगा वो आपको भी नहीं पता होगा। और खास करके ये सब जो फोन है, ओप्पो, वीवो, लेना देना सेना, जितना भी चाइनीज फोन है, सब में बाय डिफॉल्ट आता ही आता है। हालांकि आपको एप्पल्स के फोन में इस प्रकार की चीजें देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एप्पल का फोन सब लोग प्रोवाइड भी नहीं कर सकता बच्चों को। ना कह दीजिएगा कि हम लोग एप्पल के प्रचार करे आ गए हैं, है कि नहीं। तो ये सब चीजें हैं, आज खास करके एक संदेश देने आए थे कि सारे बिहार वासियों को, यूपी वासियों को, झारखंड वासियों को, जहां तक हमारा संदेश जाता है, जो हमारी बातों को समझते हैं, उन लोगों को अवगत कराने आए हैं कि सोचिए कि लॉकडाउन के बाद ऑनलाइन क्लास आपके बच्चों को कितना काबिल बनाया है या अंदर अंदर कितना खोखला और खराब बनाया है। सोचिए और विचार कीजिए। जिस प्रकार की चीजें चल रही है, मैंने आया और आप सबको अवगत कराया। अगर पास्ट में नहीं किए हैं तो आने वाले फ्यूचर में गौर जरूर कीजिएगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन हम लोग को देखने को ये सब चीजें मिलता रहता है। तो लगा कि आप सबको भी बताएं। कहेंगे वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा, जन जन तक पहुंचाइएगा कि इस प्रकार की चीजें हर एक दिन घटित होता है, तो आपके बच्चे ये सब के लत में ना पड़े। बाकी विदा लेना चाहेंगे। नमस्कार प्रणाम। जय मगध, जय बिहार।